सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर टेक्नो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर में आप जो भी टेक्स्ट आप जो भी लिखोगे वो कंप्यूटर कैसे स्पीक ओवर करेगा, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, क्या हम शुरू करें? सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ओपन करना है अपना नोटपैड। नोटपैड में जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दूँ जो आपको मैं टेस्ट जो मैं टेस्ट टेक्स्ट दूंगा उसको आपको कॉपी करना है और अपने नोटपैड में आपको पेस्ट करना है। फिर फाइल में जाना है आपको और सेव एज में जाना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट स्पीक आपको टेक्स्ट स्पीक डॉट वी बी एस करना है और आपको सेव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये सेव करने के बाद आप सेव करने के बाद जहाँ पे आपने सेव किया, जैसे आपने अगर आपने डेस्कटॉप पे किया है तो वहाँ पे आके सेव किया है, तो आपको जाना है जहाँ पे आपने इसको सेव किया है वहाँ पे आपको जाना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे उसको सेव किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे ओपन करना है आपको, फिर रन करना है। रन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ जो आपको लिखना है, से मैं लिखता हूँ ओके। वर्टेक्स नोट, मैं वापस लिखूं, आप सुनना। हेलो, माय नेम इज वर्टेक्स नोट। फ्रेंड्स, आपने सुना इस ट्यूटोरियल को। आप मैं जब आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेक्स्ट दूंगा उसको, जैसे मैं आपको बताया कि उसको नोटपैड में रखना, नोटपैड में लिखना और उसको जैसे मैंने सेव करना आपको बताया वैसे सेव करना। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट स्टेप था कि आपको टेक्स्ट को आपको कॉपी करके आपको नोटपैड में रखना है, उसके बाद आपको सेव करना है टेक्स्ट स्पीक और डॉट वी बी एस करके। फिर आपको उसको जो आपने फाइल्स को सेव किया उसको आपको क्लिक करना है और आपको लिखना है। तो आपको जो आप टेक्स्ट लिखोगे वो आपका कंप्यूटर पी सी आपका स्पीक करेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आने वाली जो भी वीडियोस मैं आपको भेजूंगा आप सब्सक्राइब करना और उसको बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि आने वाली जो भी मैं आपको वीडियोस भेजूं, जो टेक्निकल वीडियो आपको मैं भेजूं आप सबसे पहले देख सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।